वहां सबके हितग्राहियों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। जैसे किसान है उसके धान बेचे, कोदो कुटकी रागे बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। गोबर बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। जो तेंदु पत्ता लघु उपज बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। और तो और जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बहनों से पूछना, पहले वो जनपद कार्यालय में जाते थे, चेक बढ़ता था, अब वो 31 तारीख को 30 तारीख महीने का आखिरी दिन सीधा बटन दबाओ और सब जितने बेरोजगार उसके खाते में 2,500 रुपया। तो बहुत सारे हम लोगों ने सुधार किया है, आगे जो भी है उसमें भी सुधार करेंगे। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया, पता चला कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में चप्पल घिस रहे बच्चों के। और अब हमने कहा जो नवजात शिशु है उसके पिता के पास यदि जाति प्रमाण पत्र है तो तत्काल मिलेगा। मैं पूरे बस्तर के सभी जिलों में गया, सुकमा में गया, मैं बोला जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं बना है, एक भी नहीं हाथ उठाया। तो कलेक्टर से पूछा क्यों हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं, वो सर 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के घर घर बंटवा दें तो हाथ कैसे उठेगा। आज जितने भी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में हमने मितान योजना शुरू की, 13-14 प्रकार के महापौर और सभापति यहां बैठे हुए हैं, 14 प्रकार के जितने सेवाएं हैं सबको हमने मितान योजना से जोड़ दिया। और उसके कारण से हुआ कि आप मितान को फोन करें, वो आपके पास आवश्यक जो कागजात है उसे लेंगे और 4-8 दिन के भीतर में आपको चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो बिजली के कनेक्शन हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये गाड़ी के कागजात हो, सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार यही है कि ये आम जनता को उसका अधिकार है, वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा अभी 41,000 पद हम लोगों ने भरा, 41,000 पद भरे और इसमें 8,00,000-9,00,000 बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं, कोई व्यापम में, कोई पीएससी में, एक भी पैसा फीस का नहीं लग रहा है। पहले खूब पैसा लगता था, 32 करोड़ रुपया आप लोगों को बचा, 32 करोड़ रुपया। तो कोशिश यही है कि हमारे युवाओं को सुविधा मिले। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बस्तर आया तो दो ही मांग करते थे, एक तो हमारे यहां बैंक खुलना चाहिए, दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। तो हमने पूरी कोशिश की, 370 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के स्कूल हमने खोले। अब 10 महाविद्यालय जो अंग्रेजी के खुल रहे हैं, आपके जगदलपुर में खुल गया, कांकेर में खुल गया, करीब 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय पहली बार, और 33 महाविद्यालय इन 5 वर्षों में, 2 विश्वविद्यालय इन 5 वर्षों में, 8 मेडिकल कॉलेज इन 5 वर्षों में, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर न जाना पड़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहे मेडिकल के हो। अब पहले बस्तर में एक ही मेडिकल कॉलेज था, कांकेर में खुल गया, अब गीदम भी खुलने वाला है, तो बस्तर में 3, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, फिर कवर्धा, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, सब जगह हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ हो, हमारे बच्चों को भी अवसर मिले। और ये कोशिश हमारी है ताकि जो इलाज की बात है वो सुविधा मिलना चाहिए। और बहुत सारी जो बीमारी बस्तर में, खासकर मलेरिया है, 4% से अधिक था, 4.62, अब वो घट के 0.7 हो गया, बहुत कम हो गया मलेरिया का। हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में जांच, दवाइयां भी मुफ्त, तो इस प्रकार की व्यवस्था। तो पहले से बस्तर में बड़ा बदलाव आया है,
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। हमारे घर में माता पिता है, कुछ साल पहले महुआ को ऐसे फेंक देते थे सड़क में, क्योंकि 2 रुपए किलो में बिक रहा था। आज जितने लघु उपज है उसके मूल्य वृद्धि की, पैसा आपके पास गया, ऋण माफी का, कोदो कुटकी धान का पैसा आपके पास गया, लघु उपज का पैसा गया। आज अपने पसंद के आप चप्पल जूता खरीद रहे हैं, नहीं पहले तो चप्पल जूता मारते थे, एक पैर में 6 नंबर, एक में 5 नंबर, उसमें भी कमीशन। हमने कहा पैसा दे दो भाई, अपने पसंद के वो जूता चप्पल पहने, अपने पसंद के कपड़े हो, अपने पसंद के मोबाइल हो, टावर की व्यवस्था कर दो। ये प्रयास हम लोगों का रहा है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। कुछ घोषणाएं मैंने कल की थी, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा आपसे कर ली। बहुत सारे युवाओं के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है, जैसे अब बस्तर फाइटर की भर्ती हम लोगों ने किया है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्ती भी यहाँ की गई है। तो बहुत सारे अवसर युवाओं को देने का हमारा प्रयास, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके लिए ये भी हम लोग कर रहे हैं। अभी 36 ITI है, उसका उन्नयन का काम हमने हाथ में लिया है। टाटा के साथ MOU हुआ है, ये जमीन के लिए नहीं, वो ITI में जो आज आधुनिक तरीके के जो ट्रेड है उसकी स्थापना करेंगे और लगभग 10,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। तो अब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, शिक्षा की उसके व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, ये हम सबकी कोशिश। तो मैं सीधा सवालों पे आता हूं।